Hello everyone. Good evening to all of you. Am I audible now properly to all of you? Okay जी. चलिए तो स्टार्ट करते हैं हम आज का लेक्चर नंबर 28 सीरीज 3 इंग्लिश मास्टर केडर के एमसीक्यूज का. तो क्वेश्चन सीरीज स्टार्ट करने से पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन, ताकि जो इम्पोर्टेंट नोटिफिकेशंस है वो आपको टाइम टू टाइम मिल सकें. शिवम जल्दी ही स्टार्ट होने वाली है, ठीक है जल्दी ही स्टार्ट होने वाली है एसएसटी की क्लासेस वापस. चलिए, व्हाट डू यू कॉल अ पोयम कंसिस्टिंग ऑफ टू क्वाट्रेन्स फॉलोड बाय अ क्विंटेट. हाँ जी, इस पोयम में पहले दो क्वाट्रेन्स होते हैं एंड देन इट इज फॉलोड बाय अ क्विंटेट. लिरिक, सोनेट, रॉन्डल या लिमरिक. किस पोयम में टू क्वाट्रेन्स एंड अ क्विंटेट आर देयर. लिरिक, सोनेट, रॉन्डल या लिमरिक. सो दैट इज जी बिल्कुल सही, वेरी राइट, इट इज रॉन्डल. कितने बने? टू क्वाट्रेन्स, 4+4 एंड क्विंटेट इज 3, 5. ठीक है जी, सो दैट इज 13 लाइन्स. ठीक है, 13 लाइन्स की पोइम होती है रॉन्डल, राइट. क्या हो गया तनिषा? A dash is a short comment or speech that a character delivers directly to the audience. Aside, soliloquy, interior monologue, ya beside. Haan ji, short comment or speech that a character delivers directly to the audience. Kya kehte hain hum us cheez ko? Very right. We call it aside. Bilkul sahi, we call it aside. Question number 3. Dash is a literary device that works as a structural element in poetry. Is it rhyme? Is it meter, rhythm, ya harmony? A literary device that works as a structural element in poetry. Haan ji, a literary device, structural element hota hai poetry mein? Bilkul sahi. It is meter. Very right answer, meter. Question number 4. A dash is when a story or plot line ends suddenly or a large plot twist occurs and is left unresolved. Climax, denouement, exposition ya cliffhanger. Hanji, when a story or a plot line ends suddenly or a large plot twist occurs and is left unresolved. Kya kahenge hum usko? Very right. It is cliffhanger. Very right. Ya? ओपन एंडिंग किसी भी कहानी की, इट इज क्लिफ हैंगर. क्वेश्चन नंबर 5. डैश आर इनकरेक्ट वर्ड्स यूज्ड इन प्लेस ऑफ करेक्ट वर्ड्स. दीज कैन बी अन इंटेंशनल और इंटेंशनल, बट बोथ केसेस हैव अ कॉमेडिक इफेक्ट. पैलोप्रोपिज्म्स, एपिफनी, कैकोफनी या आयरनी. हाँ जी, व्हाट डू वी कॉल दैट? Exactly, it is malapropism. Very, very right. It is malapropism. Question number 6. Dash is a joke based on the interplay of homophones. Metaphor, pun, irony, ya metonymy. Yes, dash is a joke based on the interplay of homophones. Bilkul sahi answer again. See, it is called pun. Very right. इसको simply word play भी कह दिया जाता है. Very right. Question number 7. Dash is a rhetorical device that describes or associates one sense in terms of another, most often in the form of a simile. Synecdoche, imagery, simile या synesthesia, which associates one sense in terms of another. What do we call that? Yes, absolutely right. It is synesthesia, right?
और बच्चे एक मैंने मैसेज देना था कि जो भी ग्रुप वन और ग्रुप टू के, बैच वन और बैच टू के बच्चे हैं, जो अपनी डाउट क्लासेस या जनरल क्लासेस लगने का वेट कर रहे हैं, तो उनको मैं एक रिक्वेस्ट करूंगी कि 2-3 दिन और वेट कर लीजिए, ज्यादा से ज्यादा संडे मतलब मंडे तक। ठीक है, मंडे को मेरा बैच 3 जो है वो कंप्लीट हो जाएगा, फिर मैं बिल्कुल फ्री होके आप लोगों के डाउट सेशंस लूंगी। ठीक है, सो दैट इज व्हाई मैंने ये बीच में और 2-4 दिन डाल दिए, ताकि पूरी तरह से फ्री होके, ठीक है, फिर मैं आपके डाउट्स ले सकूं और उन डाउट्स को कवर अप कर सकूं। ठीक है, तो आपने जो इतना मेरे साथ कोऑपरेट किया है, इतना वेट किया है, तो थोड़े दिन प्लीज और वेट कर लीजिए। ठीक है जी, क्वेश्चन नंबर 8, डैश इज अ जॉनर ऑफ फिक्शन लिटरेचर हुज कॉन्टेंट इज इमेजिनेटिव बट बेस्ड ऑन साइंस। हाँ जी हर्षल, वी विल बी स्टार्टिंग, वी विल डेफिनेटली बी स्टार्टिंग। मनप्रीत, मुझे पता नहीं है प्रॉपरली बच्चे। हाँ जी, फिक्शन लिटरेचर हुज कॉन्टेंट इज इमेजिनेटिव बट बेस्ड इन साइंस, साइंस फिक्शन, फैंटसी या फैंसी। बिल्कुल सही, उसको हम बोलते हैं साइंस फिक्शन। ठीक है, जैसे कि मैरी शेले का हो गया फ्रैंकेनस्टीन। ठीक है, मैरी शेले का फ्रैंकेनस्टीन, या साइंस फिक्शंस के लिए और कौन जाने जाते थे, एच जी वेल्स। वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 9, डैश इज पोइट्री दैट इज इरेगुलर इन रिदम एंड इन राइम, ऑफन डेलिबरेटली फॉर बर्लेस्क और कॉमिक इफेक्ट। हाँ जी, हाँ जी, वेरी गुड जानवी, कैलकटा क्रोमोजोम ऑल्सो, वेरी वेरी राइट। अ पोइट्री दैट इज इरेगुलर इन रिदम एंड इन राइम, ऑफन डेलिबरेटली फॉर बर्लेस्क और कॉमिक इफेक्ट, सोनेट, एलिजी, डर्ज या डोगरल। वेरी वेरी गुड, वेरी राइट, इट इज डोगरल। वेरी राइट, इट इज डोगरल। जी बच्चे, डर्ज मॉर्निंग सॉन्ग होता है, किसी डेथ पे गाया जाने वाला सॉन्ग होता है। डर्ज इज अ सॉन्ग दैट इज संग ऑन समबडीज डेथ। ठीक है जी, क्वेश्चन नंबर 10, डैश इज अ ह्यूमरस पोयम कंसिस्टिंग ऑफ 5 लाइंस, डर्ज, डॉगरल, लिमरिक या हाइकू। हाँ जी, अ ह्यूमरस पोयम कंसिस्टिंग ऑफ 5 लाइंस। काजल, जैसे कहा हो स्वीट साउंड। ठीक है, यहां पे अब हमारी दो सेंसेस आ गई। ठीक है, स्वीट का हमें कैसे पता लगता है, टेस्ट से। ठीक है, साउंड का हमें कहाँ पता लगता है, ईयर्स से। तो ये दो अलग अलग सेंसेस हैं, साउंड को हम टेस्ट थोड़े ना कर सकते हैं, बट जब इस तरीके से वर्ड्स को यूज किया जाए, सेंसेस को कंबाइन किया जाए, सो इट इज कॉल्ड सिनेस्थीसिया। ठीक है जी, यस इट इज लिमरिक। वेरी वेरी राइट, इट इज लिमरिक। क्वेश्चन नंबर 11, इन विच ईयर नॉम चॉम्स्की बुक एस्पेक्ट्स ऑफ सिंटेक्स गॉट पब्लिश्ड। हाँ जी, नॉम चॉम्स्की की एस्पेक्ट ऑफ सिंटेक्स कब पब्लिश हुई थी, 1960 में, 1962 में, 1963 में या 65 में। और बच्चे, कल वाला आंसर मेरा ठीक था, जो तीनों एस्टिमेट्स की बात करी है वो स्टडी ऑफ पोइट्री में करी है। आर्नोल्ड ने जो तीनों एस्टिमेट्स की बात करी है वो स्टडी ऑफ पोइट्री में ही करी है। बिल्कुल सही, इट वॉज पब्लिश्ड इन 1965। क्वेश्चन नंबर 12, व्हाट इज कंसिडर्ड टू बी द एग्जैक्ट सेंटेंस स्ट्रक्चर इन इंग्लिश। हाँ जी, एग्जैक्ट सेंटेंस स्ट्रक्चर कौन सा होता है इंग्लिश में, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब, वर्ब ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट या सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। तो दैट इज द इजिएस्ट वन फॉर यू ऑल, इससे ज्यादा इजी कोई सवाल नहीं हो सकता है ना। यस इट इज सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। वेरी राइट। क्वेश्चन नंबर 13, विच ऑफ दीज टाइप्स इज अ नॉन कर्नल सेंटेंस। इनमें से कौन सा सेंटेंस नॉन कर्नल होता है, असर्टिव, पैसिव, एक्टिव या नन ऑफ दीज। हां जी, विच ऑफ दीज टाइप्स इज अ नॉन कर्नल सेंटेंस। जी बिल्कुल सही, पैसिव। नॉन कर्नल को स्ट्रक्चर कौन सा होता है, नॉन कर्नल का सरफेस स्ट्रक्चर। ठीक है, नॉन कर्नल कौन सा होता है, सरफेस स्ट्रक्चर।
स्ट्रक्चर। ठीक है जी, क्वेश्चन नंबर 14, ऑन व्हाट टाइप ऑफ सेंटेंस डू वी अप्लाई द ट्रांसफॉर्मेशनल रूल्स, हम किस सेंटेंस पे ट्रांसफॉर्मेशनल रूल्स अप्लाई करते हैं, कर्नल सेंटेंस, नॉन कर्नल सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस या ऑल ऑफ दीज। हाँ जी, हम किस सेंटेंस पे ट्रांसफॉर्मेशनल रूल्स अप्लाई करते हैं, बच्चे नॉन कर्नल पे। पहले तो हमें सरफेस स्ट्रक्चर ही दिया होता है ना, ठीक, पहले तो हमें सरफेस स्ट्रक्चर दिया होता है, फिर हम सबसे पहला रूल अप्लाई करते हैं कि उसको हम कर्नल में चेंज करते हैं जी। ठीक है, सबसे पहला हम काम क्या करते हैं, हम उसको डीप स्ट्रक्चर में लेके आते हैं। ठीक है, सरफेस स्ट्रक्चर तो हमें क्वेश्चन में दिया होता है, ठीक है, फिर हम उसको कर्नल में, ये हमारा फर्स्ट स्टेप होता है। ठीक है, ये हमारा फर्स्ट स्टेप होता है। बट ऐसे तो फिर बहुत सारे सेंटेंसेस आ जाएंगे मनप्रीत, इंटेरोगेटिव भी आ जाएगा, पैसिव भी आ जाएगा, बट बेसिकली, बट मेन, और ये सारे किसके अंडर आएंगे, नेगेटिव हो गया, पैसिव हो गया, इंटेरोगेटिव हो गया, ये सारे किसके अंडर आएंगे, ये नॉन कर्नल के अंडर ही तो आएंगे बच्चे। क्वेश्चन नंबर 15, विच अदर रूल इज द सब पार्ट ऑफ द डू सपोर्ट रूल इन टीजी रूल्स। हाँ जी, डू सपोर्ट रूल का सब पार्ट कौन सा होता है, पैसिवाइजेशन, इंटेरोगेटिव, WH क्वेश्चन टाइप या अफिक्स स्विच रूल। हाँ जी, विच अदर रूल इज द सब पार्ट ऑफ द डू सपोर्ट रूल इन टीजी रूल्स, यस इट इज WH क्वेश्चन टाइप। ठीक है, जो हमारे वर्ड When, where, why वगैरह वाले questions होते हैं। Question number 16, which of these sentences depicts the surface structure? इनमें से कौन सा sentence जो है surface structure में दिया हुआ है? The goat is ready to eat, the mother is cooking food, the team won the match या all of these? Yes, which of these sentence is in the surface structure? Is depicting the surface structure? बिल्कुल सोच के जवाब दीजिएगा, ध्यान से पढ़ के properly। ध्यान से पढ़ो। The mother is cooking food. This is a simple sentence. The team won the match. This is a simple sentence. The goat is ready to eat. Goat अपना खाना खाने के लिए तैयार है, ठीक है? या फिर जो लोग मीट खाते हैं, goat का मीट खाते हैं जो, ठीक है? Goat is ready to eat. ठीक है? कि goat, एक तो हो गया गोट खाना खाने के लिए तैयार है, और दूसरा हो गया कि गोट पक गई है खाने के लिए तैयार है। दिस इज एन एम्बिगुअस सेंटेंस, फंस गए, दिस इज एन एम्बिगुअस सेंटेंस। सो दिस इज इन द सरफेस स्ट्रक्चर। बच्चे शीना, जब हम इसको एनालाइज करेंगे ना, ठीक है, एक तो इसका मतलब आएगा द गोट इज रेडी, देखो द गोट इज रेडी ईट ग्रास, ठीक है, और जब दूसरा हम निकालेंगे तब हम कहेंगे द गोट इज रेडी टू बी ईटन। ठीक है, बट जब हम सरफेस पे देखते हैं तो दो मीनिंग निकलते हैं, ठीक है, इसलिए टू बी ईटन यहां पे आएगा। एग्जैक्टली, एग्जैक्टली वरिंदर, ये तो ध्यान से पढ़ने हैं।
क्वेश्चन नंबर 17, टेनिसन वॉज द पोएट लॉरिएट ड्यूरिंग मच ऑफ क्वीन एन्स रीन, क्वीन किंग जॉर्ज फाइव्स रीन, क्वीन विक्टोरियाज रीन या क्वीन मैरीज रीन। हाँ जी, टेनिसन किस टाइम पे पोएट लॉरिएट थे? बिल्कुल सही, ड्यूरिंग द रीन ऑफ क्वीन विक्टोरिया, है ना, देयर इज नो डाउट अबाउट इट, बिकॉज ही वॉज अ ग्रेट पोएट ऑफ द विक्टोरियन एज। क्वेश्चन नंबर 18, इन विच ईयर डिड टेनिसन विन द चांसलर्स गोल्ड मेडल फॉर हिज पोएम? आपको पता ही है कौन सी पोएम के लिए मिला था, टिम्बक टू के लिए मिला था, है ना, तो किस ईयर में मिला था, 1829, 1827, 1826 या 1825? तो बिल्कुल सही जवाब आपका, यस, ही गॉट दिस अवार्ड इन गोल्ड मेडल इन 1829, बिल्कुल सही। क्वेश्चन नंबर 19, फ्रॉम विच पोएम द फॉलोइंग कोट इज टेकन? टू स्ट्राइव, टू सीक, टू फाइंड एंड नॉट टू यील्ड, वेरी फेमस लाइन दिस इज फ्रॉम टेनिसन्स पोएम, टू स्ट्राइव, टू सीक, टू फाइंड एंड नॉट टू यील्ड। हम आगे बढ़ते रहेंगे, ठीक है, ढूंढते रहेंगे, स्ट्रगल करते रहेंगे, बट झुकेंगे नहीं, बिल्कुल सही, इट इज टेकन फ्रॉम यूलिसिस। क्वेश्चन नंबर 20, व्हाट डज दिस फ्रेज गिवन बाय टेनिसन डिनोट? नेचर रेड इन टूथ एंड क्लॉ, टेनिसन का ये एक फ्रेज जो है बड़ा फेमस है, नेचर रेड इन टूथ एंड क्लॉ, इन्वॉल्विंग मर्डर्स एंड ब्लडशेड, इन्वॉल्विंग सेवेज और मर्सीलेस कॉन्फ्लिक्ट और कॉम्पिटिशन, Involving the red things of the nature and animals having claws. हाँ जी, क्या मतलब निकलता है इससे? Nature red in tooth and claw. तो जी, कुछ बच्चों का आंसर बिल्कुल सही है, इट मीन्स सेवेज और मर्सीलेस कॉन्फ्लिक्ट और कॉम्पिटिशन, ठीक है, क्योंकि मॉडर्न एज आ रही थी, ये मॉडर्न एज आ रही थी, डेवलपमेंट्स हो रही थी, तो देयर वाज कॉन्फ्लिक्ट एंड कंपटीशन ऑल अराउंड, वेरी गुड, वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 21, विच पोएम बाय टेनिसन टेल्स द स्टोरी ऑफ अ हीरोइक प्रिंसेस हु फोर्सवियर्स द वर्ल्ड ऑफ मेन एंड फाउंड्स अ वुमेन्स यूनिवर्सिटी वेयर मेन आर फॉरबिडन टू एंटर, जहां पे जिस यूनिवर्सिटी में मेन को एंटर करने नहीं दिया जाता, द लेडी ऑफ द शैलेट, प्रिंसेस, द प्रिंसेस ईडा, द प्रिंसेस एडा। तो यस, दिस इज द पोयम प्रिंसेस, वेरी गुड, दिस इज द पोयम प्रिंसेस। क्वेश्चन नंबर 22, विच पोयम बाय टेनिसन इज अ ड्रामेटिक ट्रिब्यूट टू द ब्रिटिश कैवलरी मैन Involved in ill-advised charge, ठीक है, उनको गलत orders हो गए थे, ill-advised charge मतलब उनको गलत orders हो गए थे during the Crimean War, Doxley Hall, charge of the heavy brigade, charge of the light brigade या break, 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 so you know it very well, yes, it is the charge of the light brigade, very rightly answered. Question number 23, in what form the famous poem Ulysses by Tennyson is written? टेनिसन की फॉर्म बतानी है आपको, ब्लैंक वर्स, फ्री वर्स, ड्रामेटिक मोनोलॉग, हाँ जी, इनमें से कौन सी दो चीजें जो हैं यूलिसिस की फॉर्म को डिस्क्राइब करती हैं? हाँ, बालाक्लावा, राइट खुशी, हेवी ब्रिगेड में इट इज द वॉर ऑफ, बैटल ऑफ बालाक्लावा, जी इट इज ब्लैंक वर्स एंड ड्रामेटिक मोनोलॉग, सो बोथ ए एंड सी, बिल्कुल सही। क्वेश्चन नंबर 24, What was the original title of the poem In Memoriam? Right, Kajal, you're right. हाँ जी, In Memoriam का original title क्या था? The Way of the Soul, The Way of the Life, The Journey of the Soul या none of these? Yes, again your answer is absolutely right. It was The Way of the Soul. Question number 25. The epilogue of In Memoriam is a marriage song on the wedding of Tennyson's sister. So In Memoriam ka epilogue hai, wo marriage song hai Tennyson ki sister pe based. Catherine and Edward Law Lushington, Celia and Edmund Law Lushington, Elizabeth and Edgar Lushington ya Catherine and Edmund Law Lushington. Haan ji,
किसकी मैरिज का था ये एपिलॉग? बिल्कुल सही, सिसिलिया एंड एडमंड लॉ लशिंगटन. बिल्कुल सही, सिसिलिया एंड एडमंड लॉ लशिंगटन. क्वेश्चन नंबर ओके, जिन भी स्टूडेंट्स ने हमारा फ्री व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है वो अपना नाम और अपना सब्जेक्ट लिख के भेज दीजिए इन नंबर्स पे, ताकि आपको टाइम टू टाइम स्टडी मटेरियल जो है मिलता रहे. बच्चे नहीं, इट इज सिसिलिया, इट इज सिसिलिया. इन हाउ मेनी सेक्शंस द पोयम इन मेमोरियम इज डिवाइडेड एक्सक्लूडिंग द प्रोलोग एंड द एपिलोग? जी बिल्कुल वरिंदर, मॉक टेस्ट यूट्यूब पे भी अवेलेबल होंगे. राहुल, नेट पे बहुत कुछ दिया होता है. आपने पढ़ा नहीं, ऐसी ही गलतियां करोगे पेपर में. एक्सक्लूडिंग द प्रोलोग एंड द एपिलोग, तो इट इज 131. मैंने टोटल नहीं पूछा, कर दी गड़बड़, एक्सक्लूड को ध्यान नहीं दिया. क्वेश्चन नंबर 27, विच पोयम डिस्क्राइब्स अ ग्रुप ऑफ मैनर्स हु अपॉन ईटिंग द लोटस आर पुट इनटू एन अल्टर्ड स्टेट एंड आइसोलेटेड फ्रॉम द आउटसाइड वर्ल्ड? एनक आर्डन, टाइरेसियस, टिथोनस, द लोटस ईटर्स. अब देखो काजल, अरे भाई एक्सक्लूडिंग है जशोमती, एक्सक्लूडिंग है, एक्सक्लूड. एक्सक्लूड का मतलब आपको पता होगा, प्रोलोग और एपिलोग के बिना, प्रोलोग और एपिलोग के बिना 131 है जशोमती, एक्सक्लूड करना है भाई. ये सिंपल सा क्वेश्चन मैं हर रोज डाल दूंगी, बट पेपर में क्वेश्चन ऐसे घुमा के ही आने हैं, ठीक है? सो बी प्रिपेयर्ड विद दिस. हां जी, किस पोएम में बात करी है इन्होंने, इसकी? यस, इट इज द लोटस ईटर्स, राइट? इट इज द लोटस ईटर्स, वेरी वेरी राइट. जिनमें लोटस ईटर्स जो है लोटस खाके दे आर पुट इन टू एन ऑल्टर्ड स्टेट, ठीक है, एक अजीब से नशे की हालत में वो लोग हो जाते हैं, एंड आइसोलेटेड फ्रॉम द आउटसाइड वर्ल्ड. क्वेश्चन नंबर 28, फ्रॉम वेयर डज टेनिसन टेक इंस्पिरेशन फॉर राइटिंग द पोएम मरियाना? हाँ जी, टेनिसन ने कहाँ से इंस्पिरेशन ली थी मरियाना पोएम लिखने की? मिडसमर नाइट ड्रीम, मेजर फॉर मेजर, ट्वेल्थ नाइट या मैकबेथ? तो अगेन यू नो द आंसर, इट वॉज टेकन फ्रॉम मेजर फॉर मेजर, राइट? चलिए क्वेश्चन नंबर 29, इन विच ईयर टेनिसन्स यूलिसिस गॉट पब्लिश्ड? 1840, 44, 46 या 42? हाँ जी, यूलिसिस कब पब्लिश हुई थी टेनिसन की पोयम? जी बिल्कुल सही, इट वॉज पब्लिश्ड इन 1842, एब्सोल्युटली राइट. क्वेश्चन नंबर 30, व्हाट वॉज द नेम ऑफ टेनिसन्स ब्रदर विद होम ही पब्लिश्ड हिज पोयम्स बाय टू ब्रदर्स? जो कि एक तरह से टेनिसन का फर्स्ट वर्क माना जाता है, इन कोलैबोरेशन विद हिज ब्रदर. चार्ल्स टेनिसन, चार्ली टेनिसन, जॉन टेनिसन या एडवर्ड टेनिसन, जिसका टाइटल था पोयम्स बाय टू ब्रदर्स. हाँ जी, यूलिसिस लिखी थी 1833 में, बिल्कुल सही, इट वॉज चार्ल्स टेनिसन, ठीक है जी, चार्ल्स टेनिसन, वेरी वेरी राइट. क्वेश्चन नंबर 31, व्हाट इज द यानर ऑफ टेनिसन्स क्वीन मैरी? टेनिसन के क्वीन मैरी का यानर आपको बताना है, ड्रामा, नॉवलेट, प्ले या पोएट्री? हाँ जी, What is the yarner of Tennyson's Queen Mary? बिल्कुल सही, it is a drama. Very right, it's a drama. Right. Oh yes, दोनों ही हो गए, है ना, play और drama दोनों ही हो गए. Question number 32.
हाउ मेनी पार्ट्स आर देयर इन मॉड अ मोनोड्रामा रिटन बाय टेनिसन? 4, 2, 1 या 3? टेनिसन के अगेन एक मोनोड्रामा, मोनोड्रामा कौन क्या होता है, सिंगल परफॉर्मर होता है, ठीक है, सिंगल परफॉर्मर होता है. हाउ मेनी पार्ट्स आर देयर इन द मॉड? यस, इट इज डिवाइडेड इन 3 पार्ट्स. एब्सोल्युटली राइट. क्वेश्चन नंबर 33. When was Tennyson born? Tennyson का बर्थ किस ईयर में हुआ था? 1899, 1809, 1877 या 1855? Yes. In which year Alfred Lord Tennyson was born? Yes, he was born in 1809. Very good. 1809 में उनका बर्थ हुआ था. Question number 34. What is the message of Tennyson's poetry? Faith and trust, love, trust या religion? हाँ जी, what is the message of Tennyson's poetry? It's faith and trust, it's love, it's trust or is it religious? Yes, absolutely right. It is both faith and trust. Very right. It's both faith and trust. Question number 35. Who called Tennyson as the boss? हाँ जी, Walt Whitman, Philip Larkin, Evan Boland या Stevie Smith? Who called Tennyson as the boss? किसने ये epithet दिया था Tennyson को? Walt Whitman, Philip Larkin, Evan Boland या Stevie Smith? जी, it was Walt Whitman. Very right. Question number 36. With reference to PS rules, which of these is incorrect? अब फिर ध्यान से पढ़ना, गड़बड़ नहीं करनी है क्वेश्चन में. PS rules के मुताबिक इनमें से कौन सी चीज इनकरेक्ट है? PS rules specify possibilities in the language. To derive a sentence, we go through the rules automatically. Individual sentences are derived from the application of these rules. The relations in PS rules are non-linear and non-hierarchical. Yes. Which of these is incorrect? Very good, Sheena. Very good. Mahipal, Varinder, Manpreet, Pree. Pree, aapne kya answer diya hai? S. Gagan. अनुराग, गुरजीत, जशोमती, जानवी, तरसेम, मुझसे सारे नाम नहीं लिए जाएंगे, बट यस, यू आर गिविंग मी द राइट आंसर. यस, इसमें नॉन लीनियर सेंटेंस, नॉन लीनियर कैसे हो सकता है? दे आर लीनियर, ठीक है ना. नॉन हायरार्किकल जो है जरूर हम वहां पे कह सकते हैं, बट लीनियर वो होते हैं, ठीक है. ये तकरीबन हम जैसे वो हमने सिंटेग्मैटिक पैराडिग्मैटिक में करे थे ना, ठीक है, सिंटेग्मैटिक और पैराडिग्मैटिक में करे थे, तो वो पीएस रूल्स में हम उनके बारे में बात नहीं करते, ठीक है, नॉन लीनियर और नॉन हायरार्किकल, ठीक है जी. चलिए, क्वेश्चन नंबर 37. विच ऑफ दीज इज नॉट करेक्ट विद रेफरेंस टू अफिक्स स्विच रूल? अगेन जो है आपको Not correct बताना है affix switch rule के बारे में. It is used in TG grammar. It is used in PS rules. It explains the generation of sentences in human mind. It is a generalization that each affix attaches to the element immediately to its right position. हाँ जी, इनमें से कौन सी जो reference है affix switch rules के बारे में, it is wrong. जी बिल्कुल सही, ठीक है, इसका जनरेशन से कुछ लेना देना नहीं है, ठीक है, इसका सेंटेंसेस के जनरेशन से कुछ लेना देना नहीं है. बस ये तो जो लास्ट में हम कह रहे हैं, अफिक्स अटैचेस टू द एलिमेंट इमीडिएटली टू इट्स राइट पोजिशन, सभी एलिमेंट्स को राइट पोजिशन पे ले आता है. वेरी गुड, वेरी गुड, बिल्कुल सोच समझ के दिया आंसर. बच्चे पीएस रूल से ही टीजी ग्रामर आई, ठीक है, पीएस रूल से ही टीजी ग्रामर आई. हाँ, ये भी ऑड वन आउट होएगा.
बोथ बी एंड सी, ठीक है, बोथ बी एंड सी, जी 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 बोथ बी एंड सी आर इनकरेक्ट, राइट. क्वेश्चन नंबर 38, द कोऑर्डिनेशन इन लैंग्वेज रेफर्स टू हायरार्किकल स्ट्रक्चर अमंग क्लॉजेस विद इन अ सेंटेंस, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट ऑर्डर, पैरेललिंग टू और मोर क्लॉजल स्ट्रक्चर विद इन अ सेंटेंस, बोथ ए एंड बी, बोथ बी एंड सी या बोथ ए एंड सी. हाँ जी, जब हम लैंग्वेज में कोऑर्डिनेशन की बात करते हैं तो उसका एक्चुअल में मतलब क्या निकलता है? अगेन सोच समझ के जवाब देना है. हायरार्किकल स्ट्रक्चर अमंग क्लॉजेस विद इन अ सेंटेंस, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट ऑर्डर, पैरेललिंग टू और मोर क्लॉजल स्ट्रक्चर विद इन अ सेंटेंस. यस, वेरी गुड, इट इज बोथ बी एंड सी. बच्चे हायरार्की का मतलब होता है कि हम, हायरार्की का मतलब होता है जैसे हम ऊपर से नीचे आते जाएं, टॉप डाउन अप्रोच, ठीक है. तो सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट ऑर्डर होता है, ठीक है, ये तो हमारे सेंटेंस का ऑर्डर होता है, ठीक है. फिर एक सेंटेंस में दो पैरेलल क्लॉजेस भी तो हो सकते हैं ना, ठीक है, एक सेंटेंस में दो पैरेलल क्लॉजेस भी हो सकते हैं. कि आप लोगों ने ये चीजें करी हुई हैं, कंपाउंड सेंटेंसेस होते थे जिसमें दो क्लॉजेस, दो या दो से ज्यादा क्लॉजेस होते हैं. क्लॉज होता है जो अपने आप में कंप्लीट एक तरह से सेंटेंस होता है, बट उसमें एक डिपेंडेंट होता है, एक इंडिपेंडेंट होता है, ठीक है. जैसे आप लोगों ने ये चीजें पढ़ी हुई हैं, डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट क्लॉज जैसे, ठीक है, तो वो क्लॉजेस में आ जाता है. क्वेश्चन नंबर 39, द आईपीए वॉज डेवलप्ड इन 1880s बेस्ड ऑन द कन्वेंशनल लैटिन अल्फाबेट, बट सम इंक्लूजन्स वर आल्सो फ्रॉम अरेबिक, चाइनीज, ग्रीक या रोमन. हाँ जी, आईपीए बेसिकली जो है लैटिन अल्फाबेट से लिया गया था, लेकिन कुछ इंक्लूजन्स कहां से हैं? अरेबिक, चाइनीज, ग्रीक या रोमन. यस, some inclusions are from the Greek language. Very, very good. And the last question for today. The recursive property of language refers to dash in language. जब हम language की recursive property की बात करते हैं तो उसका मतलब क्या निकलता है? Creativity, displacement, arbitrariness या ambiguity. Recursive property of language. तो रिकर्सिव मीन्स क्रिएटिविटी, ठीक है जी, इट मीन्स अबिलिटी टू जनरेट न्यू सेंटेंसेस, अबिलिटी टू जनरेट न्यू सेंटेंसेस फ्रॉम अ सिंगल सेंटेंस, ठीक है जी, दैट इज रिकर्सिव प्रॉपर्टी, जिसको क्रिएटिविटी कहते हैं. ठीक है जी, वही क्रिएटिविटी हो गई ना, ठीक है. रिकर्सिव प्रॉपर्टी इज क्रिएटिविटी. एक सेंटेंस हमें दिया हुआ है, उसी को यूज करके हमने और कितने सेंटेंसेस प्रोड्यूस कर लिए, ठीक है जी. चलिए, सो आई होप गॉट टू लर्न समथिंग न्यू टुडे, एडिंग ऑन टू योर नॉलेज, टू योर इंफॉर्मेशन, टू योर नोट्स, ठीक है जी. अब जो है बच्चे, ये जी ग्रामर से रिलेटेड है, लिंग्विस्टिक से रिलेटेड है. हाँ जी, तो अब हम मॉडर्न एज स्टार्ट करने जा रहे हैं. तो मॉडर्न एज में कल के लिए कौन से राइटर्स दिए जाएं आपको? आई हैव टू रिकॉल. वेलकम एवरीवन, वेलकम. आई होप दीज थिंग्स जस्ट हेल्प यू. कौन से थे? एकता, मुझे याद नहीं आ रहे. ओके, यस, इट इज कॉनराड एंड वर्जीनिया वुल्फ.
ठीक है जी, कॉनराड एंड वर्जीनिया वुल्फ। ठीक है जी, चलिए तो कल मिलते हैं वापस इसी टाइम पे। थैंक यू सो मच एवरीवन, हैव अ वेरी गुड डे, कीप लर्निंग एंड कीप वर्किंग हार्ड। थैंक यू सो मच।